हे एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स करा रही हूँ आपको 2022 के, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी ये चल रहा है पार्ट नंबर 4, ठीक है, ये पार्ट 4 चल रहा है। ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं एंड उस पर बहुत अच्छा रिव्यूज़ है आपके। सो आप क्या करो कि बिल्कुल पार्ट वाइज ना भी देखो तो चलेगा, क्योंकि सब अलग अलग टॉपिक है। डेली मैं 5 टॉपिक करा देती हूँ इसमें, एंड ये सारे वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट में पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में आ सकते हैं, और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है ना उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट कर दिया करो। कमेंट करके, जैसे मेरे को किसी ने बोला था कि मैम पॉलिसीज करा दो, ऐसे आप ना मुझे सजेशन पूछ लिया करो कि मैम हमें ये करा दो वो करा दो। आप फुल ऑन डिमांड कर सकते हो, आपकी डिमांड बिल्कुल पूरी की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप डिमांड करो बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अगर डिमांड करोगे तभी आपके पास पहुँचेगी, आपके पास कंटेंट ही तभी पहुँचेगा जब मेरे को पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या, राइट। लाइक और शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी आपके पास, राइट। जितने ज्यादा आप व्यूज उठवाओगे उतने ज्यादा हम आपको वीडियोस देंगे, एंड उससे आपका ही जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। इवन मैं सोच रही हूँ कि दिन में 2 वीडियोस डालूं, बट आप पे डिपेंड करता है, राइट। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये देखो, ये सारे टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, ये सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक में हर एक मैप वगैरह, देखो ये कल का टॉपिक है, ठीक है। सो अगर मैं आपकी बात करूँ तो हमने कल इधर से ख़त्म किया था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। अब बात करते हैं इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन की, ठीक है। आज का पहला टॉपिक है इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस, राइट। अगर मैं इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन की बात करूँ तो इंडिया और यूएस ने बेसिकली साइन किया है प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च अनमेंट एरियल व्हीकल, ठीक है। एयर लॉन्च अनमेंट एरियल व्हीकल, सो एयर लॉन्च मतलब अनमैन्ड, यानी कि जिसमें कोई भी इंसान नहीं होगा। एरियल व्हीकल एक तरीके से ड्रोन का ही बड़ा फॉर्म लिख लो, ठीक है। सो इन्होंने रिसेंटली ये एग्रीमेंट साइन किया है, और आपको पता है कि इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग होता है। अब 2+2 डायलॉग, सबसे पहली बात इससे क्वेश्चन निकलता है कि क्या होता है। तो 2+2 डायलॉग होता है कि डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस एंड जो फॉरेन यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स आप बोलोगे, इनके बीच में क्या होता है, मिनिस्टर्स, ठीक है, सेक्रेटरी नहीं मिनिस्टर्स, इनके बीच में एक सेशन होता है, राइट। अभी 4th वाला जो है आपका वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। अगर मैं क्वाड कंट्रीज की बात करूँ, क्वाड में क्या आता है, इंडिया यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस के साथ सबसे पहले हुआ, फिर जापान, और ऑस्ट्रेलिया वाला हाल ही में पिछले साल 2021 में हुआ है, राइट, ये ध्यान रखना। सो जब ये हुआ था तो इन्होंने अभी क्या साइन किया था वॉशिंगटन डीसी में, 4th-4th इसका सेशन हुआ था, इन्होंने साइन किया था कि एयर लॉन्च अनमेंट एरियल व्हीकल मानव रहित हवाई वाहन देंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई थी। इसमें डिफेंस, अच्छा, इज अंडर द अम्ब्रेला डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। आपको पता है कि रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तहत आता है ये वाला जो एग्रीमेंट है इनका। अच्छा, अब इंडिया और यूएस की अगर मैं बात करूं, और तो इंडिया और यूएस का आपको पता ही होगा कि बहुत पहले PL-480 स्कीम होती थी, जिसके तहत आपको हमें ग्रेन यानी कि अनाज मिलता था इनसे, एंड जब हमारा वॉर वगैरह हुआ था तो इन्होंने बंद करवा दिया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड पाकिस्तान आपका सेंटो का मेंबर था, तो यूएस मोस्टली पाकिस्तान के साथ देता था, बट इंडिया का रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस थे, बट ऐसा। और अब फिर धीरे धीरे जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था एंड इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1991 में, ठीक है, लिबरलाइजेशन उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन निजीवाद, निजीकरण और आपका ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, ये वाली ट्रीटी जब हमने अडॉप्ट की थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद थोड़ा हमारी मार्केट ओपन हुई एंड थोड़ा हमने कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद की तरफ चले, तो हमारे यूएस के साथ रिलेशन अच्छे होने शुरू हुए। यूएस की को एक तरीके से मार्केट भी मिली थी एंड धीरे धीरे हमें यूएस की हेल्प से 2006 में हमारी बात शुरू हो गई थी। साथ में हमें न्यूक्लियर एनएससी का न्यूक्लियर वेबर भी मिल गया था, ठीक है, आप सभी को ये चीज़ तो पता होगी, राइट। अच्छा, इंडिया और यूएस के बारे में अगर मैं डिफेंस की और भी बात करूँ तो आपको पता है GISMOA, ठीक है, इनका एक एग्रीमेंट है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग का, वो हमारा 2002 में साइन हुआ है। लेमोवा आपका लॉजिस्टिक वाला हमारा 2016 में साइन हुआ है, ठीक है, एंड बेका, ठीक है, बेका आपका कॉमकासा,
कॉम कासा आपका, कॉम कासा और बैका। अब मुझे बताओ कॉम कासा और बैका में से एक हुआ है 2018 में और एक हुआ है 2020 में, तो कौन सा कब हुआ है? क्या बैका 2020 में हुआ है, कॉम कासा 18 में, या वाइस वर्सा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये आपकी इंडिया यूएस की इंगेजमेंट, देखो इंडिया यहाँ पे है आपका, ठीक है, ये देखो मैप, एंड यूएस यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इसी में ही इंडिया ने और भी 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएसए के साथ, जैसे कि अच्छा ये आ ही गया, देखो मैंने आपको सही बताया था ऐसे, GSOMIA, ठीक है, जनरल, इसकी ना फुल फॉर्म पूछना है, एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म आती है बार बार एग्जाम में, पिछली बार बेका वगैरह आ चुका था, 2002 में साइन हुआ है, किसके लिए है? मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, सैन्य सुरक्षा के आदान प्रदान के लिए है, सैन्य सुरक्षा समझौता जिसको जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट कहते हैं, देन लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट लेमोवा जो हमारा 2016 में साइन हुआ था, यूज ऑफ ईच अदर्स मिलिट्री बेस, कि हम एक दूसरे के मिलिट्री बेस यूज कर लेंगे अपना, जब भी डॉक वगैरह अपना हमारा शिप जा रहा है तो वहां पे खड़े करने के लिए, उसकी मरम्मत वगैरह कराने के लिए, लेकिन किसी को लड़ाई वड़ाई के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इनकी फुल फॉर्म पक्का याद कर लेना, कॉम कासा है, ठीक है, 2018 में, फॉर इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द टू मिलिट्रीज एंड सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, एक दूसरे के सैन्य अड्डे का उपयोग करने के लिए, लॉजिस्टिक वाला तो है, दोनों सेनाओं के बीच अंत संचालनीयता और सेना को उच्च तकनीकी की बिक्री के लिए 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता साइन हुआ था। एंड नेक्स्ट है आपका कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बैका, ये कब साइन हुआ था? 2020 में, टू शेयर हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स एंड जियो स्पेशल मैप्स, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक और जियोस्पेशियल मैप्स को साझा करने के लिए 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट आपका साइन हुआ था, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार आ सकता है, फुल फॉर्म कौन से ईयर में साइन हुआ था और किस लिए है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस पूरी स्लाइड से, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा टॉपिक आज का, इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशन के बारे में बात करूं, इंडिया रशिया सैन्य संबंध के बारे में बात करूं, तो 20 आपको पता है सबसे पहले कि हमने 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी यानी कि मित्रता जो संधि की थी आपसे रशिया यूएसएसआर से, जो 20 साल तक की वैलिड थी 1991 में, फिर वो एक्सटेंड कर दी गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, 21st इंडिया रशिया समिट हुई थी और दोनों ने ना 10 ईयर का डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है रिसेंटली, कि हाँ हम 10 साल तक सैन्य हम क्या करेंगे, सैन्य सहयोग के जो समझौता है उस पर साइन किया है, और उसमें हमने ये भी बोला था कि यार हमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 वायु रक्षा प्रणालियाँ है, वो हमें मिलनी चाहिए। इवन यूएसए का एक एक्ट था काट्सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, कि जो अमेरिका के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको सैंक्शंस लगा दो, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये रशिया वगैरह हो गया, बट इंडिया को हम इससे वेवर मिल जाता है कि यार इन सब से हम ट्रेड करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, राइट, इस तरीके से, ठीक है। फिर 1971 में आपको पता है ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन हमने साइन की थी, यानी कि शांति मित्रता और सहयोग की संधि हमने साइन की थी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए थे हम एक दूसरे के 2000 में, ठीक है, हम, और ईयर 2000 में हम सामरिक भागीदार बन गए थे। 2021 summit took it another step ahead of the first 2+2 dialogue of foreign and defense minister to exchange, ठीक है। बेसिकली हमारा क्या हुआ, 2021 में हमने 2+2 डायलॉग, जो अभी हमें मैंने अभी जस्ट बताया कि फॉरन और डिफेंस मिनिस्टर एक दूसरे के साथ ग्लोबल रीजनल जो बेसिकली आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, बात करते हैं, वो 2021 में हुआ था। एंड 2009 की मैं बात करूँ, एक बायलेटरल इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन साइन हुआ था, कब के लिए? 2011 से 2020 के लिए, यानी कि के लिए द्विपक्षीय अंतर सरकारी सैन्य और तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंडिया रशिया की अगर मैं बात करूं तो देखो ये रहा आपका इंडिया, ठीक है, दिस इज योर इंडिया, एंड यहां पे है ये पूरा आपका रशिया, ठीक है। सो देखो रशिया कितना बड़ा है, उसके पास कितने रिसोर्सेस वगैरह होंगे, सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है आज का टॉपिक, इंडिया और यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो बेसिकली ये क्या है, आर्थिक सहयोग समझौता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इंक्लूसिव, यानी कि सब चीज़ें हों उसमें। इसमें आपका ट्रेड व्यापार किसमें, गुड्स में, ठीक है, सेव और सर्विसेज में, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, रूल ऑफ ओरिजिन उत्पत्ति के नियम, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएँ,
सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, डिस्प्यूट सेटलमेंट, विवाद निपटारा, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन्वेस्टमेंट, निवेश, डिजिटल ट्रेड एंड कॉरपोरेशन, डिजिटल व्यापार और अन्य क्षेत्रीय, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और इंडिया और यूएई की अभी अभी इस पर बात हुई है। तो देखो, आपको पता है इंडिया यूएई का इंगेजमेंट बहुत बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। क्यों? क्योंकि देखो, I2U2 की अगर मैं बात करूँगी ना, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, यूएई का मैंने आपको कल भी बताया था कि यूएई ने इंडिया में कहीं इन्वेस्ट करने की बात की है। कहाँ कर रही है ये मुझे बताओ। इंडिया यूएई की बात करती हूँ। देखो, ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे जाओगे, ये एशिया में आता है, दिस इज योर सऊदी अरेबिया, और ये है आपका यूएई, ठीक है। इधर है आपका यूएई, राइट। ये बीच में क्या हो गया आपका, अरेबियन सी, राइट। एंड इधर इधर क्या, गल्फ ऑफ ओमान, राइट। इस तरीके से आपका है, समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका चाइना अफ्रीका रिलेशन। भाई, चाइना और अफ्रीका के रिलेशंस कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? तो आपको पता है यार, अफ्रीका की अगर मैं बात करूँगी, चाइना की मैं बात करूँगी, चाइना का ना एक इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, गोइंग आउट पॉलिसी, कि यार अब हम ना अपने, जैसे पहले क्या थी इनकी इकोनॉमी, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बंद थी, ठीक है, वो किसी को बाहर इतना एक्सेस नहीं करने देते थे। बट अब इन्होंने ना अपनी अर्थव्यवस्था खोले कि हम बाहर निवेश करेंगे, बाहर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से हम पैसा कमाएंगे, इस तरीके से। तो इन्होंने ये गोइंग आउट पॉलिसी 2001 में इन्होंने अडॉप्ट की थी। उसी गोइंग आउट पॉलिसी के तहत 2013 के अक्रॉस इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को बेसिकली अडॉप्ट किया था। और इन्होंने बेसिकली बोला था कि यार हमने बाहर ऐसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अपनी कनेक्टिविटी बेटर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, लीडरशिप वगैरह वाला रोल प्ले करना है, हम तो इकोनॉमी तो हमारी बढ़ी रही है। अब अगर मैं बात करूं, $200 बिलियन का 2019 में टोटल ट्रेड जो है चाइना क्या है, अफ्रीका का बिगेस्ट द्विपक्षीय बायलेटरल व्यापार सहयोगी है, ठीक है। और आपको पता है, लेकिन इसके साथ साथ जो 62% अफ्रीका का द्विपक्षीय जितना भी कर्जा है ना, डेप्थ, वो 60, उसमें से 62% किसको ओन करता है, वो चाइना को, ठीक है। तो देखो कितना ज़्यादा कर्जा है। इन चाइना कंटिन्यू प्रोवाइड आर्म्स एंड इक्विपमेंट, की वो हथियार, ठीक है, और उपकरण मुहैया कराता है किसको, अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और ग्रेटेस्ट सप्लायर बन रहा है आर्म्स का इस पूरे कॉन्टिनेंट में। और चाइना का जो पहला मिलिट्री बेस्ड है उसके अपने लैंड के अलावा, वो कहाँ पर है, जिबूटी में, ठीक है। अगर मैं इनका मैप दिखाऊं तो ये रहा, देखो, दिस इज़ योर चाइना एंड ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। इस तरीके से इनके रिलेशन है। सो आज हम इतना ही करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो कल कर लेंगे, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं एक बार, इंडिया जापान का एक बार लास्ट कर लेते हैं, इंडिया जापान रिलेशन और कर लेते हैं। इंडिया जापान की मैं बात करूं, आपको पता है बहुत ही अच्छे रिलेशन है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी एक है कि इंडिया और जापान मिलकर अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जापान में क्या था कि 14th इंडिया जापान एनुअल समिट हुई है न्यू दिल्ली में। इनफैक्ट 2007 में जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट था ना, वो भी जो शिंजो आबे इंडिया आए थे, तभी उन्होंने उधर के क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में ये चीज बोली थी। ऑल्सो 2022 है ना, वो बेसिकली क्या मार्क करता है, 70 साल, ठीक है, हमारे डिप्लोमेटिक, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन की, राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ है। कौन सी? 70वीं, ठीक है, 2022 इस साल। और 30 साल इस साल किसको हुआ है? आसियान को। तो देखो, ये रहा आपका जापान और ये रहा आपका इंडिया, राइट। सो आज इतना ही। शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है ना, ये वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो जितना शेयर करोगे आप, जितना लाइक करोगे, कमेंट्स में मुझे बताओगे कि किस तरीके से क्या चीज़ आपको और चाहिए, उतना आपको वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन शेयर करो, व्यूज़ नहीं आएंगे तो देखो चैनल में फिर वीडियो आने में दिक्कत होगी, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।